आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने चुनाव में बहुमत साबित की है, यानी बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है। वहीं बीजेपी भी 100 के पार है, हालांकि कांग्रेस की हालत पस्त है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का दावा था फेल होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी 20 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी 100 के पार चल रही है। वहीं आपको आंकड़े बताएं तो आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली है, वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिली है। वहीं जीत पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो आपने सुना कि कैसे वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत के लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है। पहले स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने वो ठीक किया। अब दिल्ली की जनता ने अपने बेटे को सफाई करने, पार्क ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल ही खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।